कोरोना संक्रमण के प्रभाव के मद्देनजर शासन प्रशासन के निर्देश पर निगरानी समिति का गठन किया गया है, जो गैर प्रांतों से आने वाले लोगों की निगरानी के साथ होम आइसोलेशन के मरीजों का भी ब्यौरा रखेंगे और उनके इलाज में अपना सहयोग देंगे। जिसके संबंध में जिला पंचायती राज अधिकारी हिमांशु शेखर ठाकुर ने बताया कि निगरानी समिति किसी बाहरी व्यक्ति के आने की सूचना तत्काल स्थानीय प्रशासन स्वास्थ्य विभाग को प्रदान कर रही है। प्रभावित क्षेत्र में घर घर जाकर संपर्क की खोज करने में तथा सर्विलांस टीम की सहायता करने में भी सहयोग कर रही है। निगरानी समिति द्वारा कोविड पीड़ित रोगी के परिवार से फोन पर नियमित संपर्क करके उनको क्वारंटाइन होम आइसोलेशन अवधि को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित करने में उनको पूर्ण सहयोग दे रही है। डीपीआरओ ने कहा कि लगातार निगरानी समिति के साथ बैठक कर गाँव में कोविड संक्रमण पर नियंत्रण रखा जा रहा है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए डीपीआरओ हिमांशु शेखर ठाकुर ने कहा, निगरानी समिति की बैठक जो सभी 1294 ग्राम पंचायतों में है, हम लोगों ने निगरानी समिति का गठन किया, जिसके अध्यक्ष पदेन प्रधान होते हैं, क्योंकि अभी प्रधान ने शपथ नहीं लिया है, तो अभी अध्यक्ष जो है उनके सचिव हैं, पर प्रधान को भी इन्वॉल्व किया गया है, क्योंकि वही उस गाँव में सबसे ज़्यादा चीज़ों को जानते हैं। तो प्रधान है, सचिव, उसके अलावा जो आशा होती है, आंगनबाड़ी है, उसके अलावा लेखपाल हैं, चौकीदार है, उस गांव के स्वच्छाग्रही हैं, और भी सफाई कर्मी जो हैं, ये सारे सभी लोगों को मिला करके एक निगरानी समिति बनाई है, जिसका मुख्य कार्य ये होता है, अगर कोई व्यक्ति बाहर से आया है उसको देखना कि क्या वो कहीं उसको टेम्परेचर अधिक तो नहीं है, या उसके हर आशा और आंगनबाड़ी के पास एक एक पल्स ऑक्सीमीटर और थर्मामीटर दिया गया है, जिससे वो घर घर जाकर के प्लस बाहर से आने वाले व्यक्ति का जो है तापमान नापती है और ऑक्सीजन का जो लेवल है वो उसका मेजर करती है। अगर किसी का भी लग रहा है सिम्टम है कोरोना जैसा, या फीवर है, या कुछ भी ऐसा है सिम्टम, तो उसको तुरंत ये सलाह दी जाती है कि आप पहले आइसोलेट हो जाइए, अलग हो जाइए, घर में सबसे अकेले रहिए। उसके अलावा जो है उसको बोला जाता है कि RRT तुरंत वो ब्लॉक पर सूचना देती हैं कि ऐसे ऐसे ये व्यक्ति जो है कोरोना के लक्षण इसमें है, या इसका टेम्परेचर अधिक है, तो इसकी जाँच कर ली जाए। तो ब्लॉक या तो किसी टीम को भेजती है, या फिर अगर वो व्यक्ति जाने के लगे तो खुद जाकर के ब्लॉक में PSC CSC उसकी जाँच कराती है। ये मॉनिटर करना निगरानी समिति का काम है, उसकी जाँच हो जाए। उसके बाद कोई अगर व्यक्ति अगर लॉकडाउन में बाहर जा रहा है तो उसको भी समझाना कि आप लोग बिना वजह बाहर ना जाएं, अपने घरों में रहें। और इसके अलावा मेडिकल किट बांटना, एक जो दो दिन पहले जो एक बहुत इंपॉर्टेंट कार्य जो निगरानी समिति को सौंपा गया है, ये मेडिकल किट बांटना। आशा चूँकि इसके महत्वपूर्ण मेंबर है, और आशा को जो है RRT जो है वो तो दे ही रही है मेडिकल किट, पर इसके अलावा आशा को भी मेडिकल किट बांटने का काम निगरानी समिति के सहयोग से दिया गया है। तो आशा प्लस जो आंगनबाड़ी और जो बाकी निगरानी समिति सदस्य हैं, वो लोग मिलकर के घर घर में, इवन जरूरी नहीं है कि वो कोविड पेशेंट उसको ही देना है, अगर इवन कोविड की जाँच करने में 2-3 दिन का समय लगता है, आपको पता है RT-PCR में 3 दिन का समय लगता है, जाने में भी समय लगता है, तो अगर किसी में भी कोविड के लक्षण हैं तो उसको जो है तुरंत उसको किट उपलब्ध करा दिया जाए, वो दवा दे दी जाए, क्योंकि सारी दवाएं जो है इसमें साइड इफेक्ट नहीं होते। ये सारी दवाई लेकर के प्राथमिक स्तर पे कोई दवाई ले लेगा तो आगे उसके डेथ होने की या कोई और भी कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। तो निगरानी समिति का बहुत महत्वपूर्ण रोल है दवा वितरण में, मेडिकल किट वितरण में।